वेलकम टू माई चैनल किचन विद अदीला। आज हम बहुत ही इजी और मज़ेदार अरेबिक स्वीडिश बना रहे हैं। इसे कहते हैं मुहल्लबिया। तो चलते हैं इंग्रेडिएंट्स की तरफ। कॉर्नफ्लोर ले लिया मैंने, 2 टेबल स्पून हीफुल शुगर लेंगे, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले लीजिए। कार्डमम या छोटी इलायची लेंगे 3 से 4 अदद। नट्स लेंगे, मैं आलमंड्स यूज़ कर रही हूँ, आप कोई और भी यूज़ कर सकते हैं। वाटर लेंगे और मिल्क लिया है 1 लीटर। चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। सबसे पहले मैंने पैन को रखा मीडियम फ्लेम पर और इसमें ये मिल्क डाल देंगे। 1 लीटर मिल्क मैंने ऐड कर दिया इसमें। और साथ ही ये हम कार्डमम जो है इसको खोल के इसमें डाल देंगे। मिल्क को अब इसके बाद हम बॉईल कर लेंगे। मिल्क के बॉयल होने का वेट करेंगे। इसी दौरान अब ये मैंने कॉर्नफ्लोर लिया है, इसे मैं वाटर में मिक्स कर लूंगी। कॉर्नफ्लोर को हम डायरेक्टली नहीं डाल सकते, उससे फिर लम्स बन जाएंगे, इसलिए पहले हम इसकी मिक्सिंग करेंगे वाटर में। एक स्मूथ पेस्ट बनाएंगे। कॉर्नफ्लोर आपने इतना ही यूज़ करना है कि डिज़र्ट जो है वो बहुत ज़्यादा थिक ना हो जाए। मैंने 1 लीटर मिल्क लिया है तो उसमें मैं ये 2 टेबल स्पून हीपफुल डाल रही हूँ, ये काफ़ी होगा। अगर आपको लगे कि कॉर्नफ्लोर ज़्यादा हो गया है तो आप थोड़ा सा मिल्क बाद में ऐड कर दीजिए। देखिए ये मिक्स हो गया अच्छे से, स्मूद हो गया बिल्कुल। नट्स को काट लेंगे और यहाँ मिल्क भी बॉयल हो गया। ये मैंने पहले से मिक्स किया हुआ था इसलिए मैं अगेन एक दफ़े से मिक्स कर लूँगी कॉर्नफ्लोर को, ताकि जो नीचे सेटल डाउन हो गया हो वो मिक्स हो जाए। अब इसे थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे और 7 चम्मच चलाते जाएंगे। कंटिन्यूस स्टिरिंग करनी है। ये देखिए साथ ही जो मिल्क है वो थिक होना शुरू हो जाता है। अगर आपको लग रहा हो कि लम्प्स बन रहे हैं तो आप एग बीटर यूज़ करें और उसकी मदद से थोड़ी देर के लिए बीट करते जाएं। मैं यूँ कंटिन्यूस इसे स्टिरर करती रहूँगी। अनटिल अनलेस ये स्मूथ ना हो जाए। बहुत ही इजी रेसिपी है, कोई ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स यूज़ नहीं होते। ये देखिए कोई लम्स नहीं है और कितना स्मूद हो गया। और इसको इतना ही पतला होना चाहिए, अगर ये ज़्यादा थिक होगी तो ठंडा होने के बाद ये मज़ीद थिक हो जाएगी। चम्मच चलाते जाएं कंटिन्यूसली और इसे थोड़ा कुक कर लें। अब इसमें हम शुगर ऐड कर देंगे एंड पे, तकरीबन 1/2 कप शुगर ऐड किए मैंने। और ये रेडी हो गया, फ्लेम ऑफ कर देंगे और अभी हम इसे सर्विंग डिश में निकाल लेंगे। ये देखिए हमारी डिश तैयार हो गई है। थोड़ा ठंडा होने पे इसे गार्निश कर लेंगे नट्स के साथ। बहुत ही इजी, बहुत जल्दी बन जाती है। घर पे ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको कैसी लगी। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।
साथ में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मौसूल हो।